प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टेबल्स को याद करने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका। इसे देखने के बाद आप एक से लेकर के 100 तक की जितनी भी टेबल्स हैं उनको आप मुंह जुबानी बोल सकेंगे, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है हमारे डेली लाइफ में, जैसे अगर हम मैगी लेने गए 5 रुपीज की, हमने 4 मैगी ली तो हमें पता है कि वहां पे हमें 20 रुपीज पे करने हैं। लेट से कि अगर मैंने 10 रुपए की 6 चॉकलेट्स ली तो मुझे 60 रुपीज पे करने हैं। बट अगर यही कोई चीज हमारी 17 रुपीज की और हमने 7 ली है तो यहाँ पे हमें दिक्कत आ जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमें आती है अपनी डेली लाइफ में, तो वहां कई बार हम पैसे ज्यादा दिए जाते हैं तो बाद में बुरा लगता है। तो ऐसी चीज आपके साथ दोबारा ना हो इसलिए आपको 1 से 100 तक की सारी टेबल तो याद होनी चाहिए, और वो याद करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप सारी जो टेबल्स हैं वो आप मुंह जुबानी याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपको याद होना चाहिए वो आपको होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक, मीन्स 1 to 10 के भी 1 से 10 तक के मल्टीप्लीकेशन आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक ये याद आपको वैसे भी होंगे ही सही, क्योंकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ये सब चीजें यूज करते ही करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी नंबर की टेबल आप कहीं पर भी लिख सकते हैं और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो होता क्या है, हमसे किसी ने 7 into 8 पूछा तो हमने बता दिया तुरंत 56। यहां तक कि किसी ने अगर हमसे 9 into 3 पूछा तो भी हमने बता दिया 27। 10 का टेबल तो याद करना वैसे भी बहुत इजी होता है, 10 into 2 इज क्या होता है, जो नंबर है उसके आगे 0 लगा दो, ठीक है। तो 10 का टेबल तो सबसे आसान है, 2 के टेबल में 2 ऐड करते जाओ, 7 का टेबल में क्या करना होता है 7 ऐड करने आता है, 7 to 6 क्या हो जाएगा 42। बट अगर यही हमारे पास में एक नंबर ऐसा आ गया 16 into 4, ठीक है, नंबर अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है 16 into 4, वो आप में से बहुत सारे बच्चों को ये टेबल याद होगी 64। बट अगर यही मैंने बोल दिया यहाँ पे 83 into 7, तो क्या अभी आपको सोचना पड़ रहा है कैसे करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो नंबर क्या है मेरा 83 into 7, तो इसकी मदद से हम सीखेंगे कि ट्रिक किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन और टेबल निकालने की कैसे सीखेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो दो नंबर लिखे हुए, जो बड़ा नंबर है ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर है उन दोनों के बीच में एक लाइन बना दो। इस लाइन को बना के क्या करना है, 8 को अलग से साइड में लिख लो, 8 को ऐसे साइड में लिख दिया, 3 को अलग से साइड में लिख दो। सी लिखने का मतलब है कि हमें अपने दिमाग में उन्हें अलग अलग कर लेना है, साथ नहीं रखना, यहाँ पे हम समझा रहे हैं बात को, ठीक है। अब एक्चुअल में जो 3 होता है ये यूनिट प्लेस पे है तो इसका मीनिंग 3 ही होता है, लेकिन जो हमारा 8 होता है ये तो क्या है 10th प्लेस पे है, तो इसका मीनिंग 8 नहीं होता है एक्चुअली में ये 8 नहीं, ये 80 लिखा हुआ है, बट हमें तो 80 का टेबल आता ही नहीं है, तो हम करेंगे कैसे। अब कुछ नहीं करना, देखो हमें ये करना था 83 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 83 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम क्या करेंगे 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 into 7 कर देंगे और 3 into 7 कर देंगे। अब 8 into 7 तो हमें पता है, हमें पता है 1 से 10 तक के टेबल तो हो गया 56, 7 into 3 कितना हो गया 21, तो 56। अब क्या करना है, ट्रिक यहाँ पर है, हमने क्या करना है बस 56 के आगे एक 0 लगा देना है, तो 560 हो गया हमारे पास में। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, ये क्या हो गया हमारे पास में 581। बस यही इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। सी अभी हमें लगा कि ये हमारी टेबल क्या है बनने में टाइम लग रहा है, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। देखो बहुत जल्दी होती है तरीके से, अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, चलो लेट्स से 97 लेता हूं मैं। अब अगर 97 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, लेट्स से 8 से करना है, तो मैंने 9 और 8 को अलग अलग कर दूंगा, तो 9 into 8 कितना हो जाएगा, पहले मैंने अलग किया तो फिर होगा 9 into 8 विच इज 72, तो 72 लिख दिया, इसके आगे लगा दिया एक 0, फिर क्या करा 7 into 8 ये कितना होता है 56, लिख दिया 56, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 776। चेक कर लो यही इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 97 into 8 का। अब देखो बहुत जल्दी हो रहा है ना, अब क्या करते हैं, अब की बार हम लिखेंगे नहीं, अब की बार हम सब दिमाग में करेंगे, कैसे देखते हैं। देखो क्या करना है हमें, लेट्स
मल्टीप्लाई करना है 73 को 9 के साथ में, तो 73 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या देगा 27, ठीक है 27 आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 27, 9 को 7 से करूंगा तो क्या आएगा 63, तो आ जाएगा 63। अब क्या करना है यहाँ पे, जीरो लगा देना है, 30 + 27 कितना हो गया 657। देखो हमें कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही और होता जा रहा है। हमने क्या करा, हमने 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया है और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एक और क्वेश्चन मेरे साथ में आप सॉल्व करिए, देखिए 88 × 8 हमें करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वापस से ब्रेक करेंगे तो 8 को 8 से करूंगा तो क्या देगा 64। अब की बार एक और बार मैं लिख देता हूं अभी यहाँ पे, फिर 8 को 8 से करूंगा तो आ जाएगा 64। अब यहाँ पे तो जीरो लग जाएगा एक और आगे, तो 640 + 64 = 704। तो आप देखेंगे ये हमारे पास में क्या गया 704। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन याद करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। एक और नंबर लेते हैं अब हमारे पास में, हम बात करेंगे 37 का मल्टीप्लीकेशन विद 7। तो देखते हैं अब कैसे करेंगे, इसे हम दिमाग में करेंगे पूरा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, दोनों को अलग अलग कर दिया, 3 × 7 = 21, तो ऊपर हो जाएगा 21 0 210, 7 × 7 = 49, तो 210 और 49 को ऐड किया, क्या आ गया मेरे पास में 259 आ गया मल्टीप्लीकेशन। कितना आसान था, देखो 37 की टेबल में 7 से हमने यू मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे गलत किया हो, तो मैं समझा देता हूँ एक और बार, गलतियां हो जाती हैं। तो 7 × 7 क्या होता है 49, 7 × 3 = 21, जीरो आगे लगा देंगे तो 210 + 49 = 259। तो आ गया ना देखो हमारे पास में सेम, कितनी जल्दी हमने 37 × 7 कर दिया यहाँ पे। अब एक और हम और भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। अब की बार हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन, 97 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ऐसा करने से होगा क्या देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे वापस से पूरा हवा में, कितना ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले लें सब हवा में करेंगे हम, तो 9 × 3 = 27, तो क्या जाएगा 270 ऊपर चल रहा है, 7 × 3 = 21, तो क्या हो जाएगा ऊपर आया था मेरे पास में 270, यहाँ से आया 21, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या देगा 291। देखा हमारा कितना ही कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन क्यों ना रहा हो, हमने यूं उसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी 1 से लेके 100 तक के नंबर को यूं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको पता क्या होना चाहिए, आपको 1 से लेकर के 10 तक की सारी टेबल्स पता होनी चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ना टेबल्स याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें ये तरीका अगर आप बताएंगे तो वो ये चीजें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों को काफी आसानी होती है इसे टेबल याद करने में, और एक्चुअली में तो उन्हें याद ही नहीं करनी, उन्हें तो क्या करना है 1 से 10 तक की टेबल याद करनी है। यहाँ तो वो ऑटोमेटिकली खुद साथ साथ लिखते जा रहे हैं।